तशरीफ लाते हैं प्रोग्राम क्लैश के मेजबान मिस्टर एंड मिसेस इमरान खान। आइए भाभी और इमरान खान साहब जरा आप भी इधर आइए। ये छोटा सा कठेरा होता है हमारा। अच्छा। यहाँ पर थोड़ी सी हाजिरी होती है, यहाँ पे कुछ बातचीत होती है। ये बताइए क्लैश कैसा जा रहा है? मतलब प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, आप लोग कुछ और ना समझिएगा। हमारा कोई क्लैश नहीं है, प्रोग्राम है उसमें अभी वो आप लोग बताएंगे। अभी मैंने तो शुरू किया थोड़े दिन हुए। हाँ। और फीडबैक थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है, लेकिन लोगों को कैसा लग रहा है वो आप लोग बताएंगे। तशरीफ रखेंगे। मेरे अगले मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने मेहनत, लगन और कौम की खिदमत से ये साबित किया कि वो एक सच्चे और कामयाब सियासतदान हैं। तशरीफ लाते हैं तब्दीली सरकार के अहम रुकन सदाकत अली अब्बासी साहब। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आज आप हमारे शो पर आए और साथ साथ भाभी को भी लेकर आए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। बल्कि मैं मुझे जब कहा आपकी टीम ने कि ज्वाइन करें और हमारे प्रोग्राम में आए, इस चैनल के ऊपर GNN पे यहाँ आने से पहले जो प्रोग्राम हाईलाइट थे जिनको हम कभी टेलीविजन स्विच करते हैं तो वो देखते थे, उनमें एक आपका शो है और इसमें बड़ी एनर्जी है। आपके मुझसे ये बात आना हमारे लिए ऑनर की बात थी। इसमें एनर्जी है, आपके शो में एनर्जी है। बल्कि मुझे जब दावत दी कि मैं अपनी बेगम को साथ लेके आऊँ, मैंने इनको बताया तो कहा जी मैं बिल्कुल जाऊँगी। हालांकि बहुत सारे शोज में मैंने कहा कि मेरे साथ जाओ, एक आधे शो के अलावा ये कभी कहीं नहीं गई। थैंक यू फॉर कमिंग भाभी। भाभी अरबाब बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी सी लग रही है, इतनी प्यारी प्यारी मुस्कुराहट दे रही है। मगर हम आपसे बहुत कुछ पूछेंगे अभी इनके बारे में, और इनको जब तंग करेंगे तो हमसे लड़ना नहीं है आपने, बल्कि हमारा साथ देना है। बिल्कुल आपका साथ। ये बताइए GNN का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है, फीडबैक कैसी आ रही है? जी अभी तो थोड़े दिन हुए हैं और फीडबैक अभी जो जानने वाले लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, वो लोग रब्ता कर रहे हैं, वो फीडबैक दे रहे हैं, तो अभी तक पॉजिटिव फीडबैक है। जो पब्लिक फीडबैक है जो सोशल मीडिया पे आता है उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। बड़ा प्रोफेशनली चीज़ों को डील करते हैं तमाम डिपार्टमेंट्स, सिस्टम एक अच्छा बनाया GNN ने। दूसरा ये हाईटेक चैनल है, जो इक्विपमेंट ये यूज़ करते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो लेटेस्ट हैं, जदीद हैं, तो आपको बड़ी सपोर्ट रहती है इन चीज़ों से। चीज़ा जदीद नहीं है, कुछ कदीम भी नहीं इमरान भाई, जिवें चाचा साडा ज़्यादा भी आजाद नहीं हुआ जदों का चाचा साडा, और चाचे नूं वेख के सारियां मैलियां चीज़ां आईयां सन दुनिया। हाँ, चाचे ने आके कहा सी कि 100 साल बाद ना जाला आजाद होएगा। हर कोई कोई आपने बरकत के लिए भी लोग रखने होते हैं ना हर जगह। हाँ देखिया जेड़े वड्डियां दी इज्जत करदे आ किथे पहुंचे आ जी। हां तू इत्थे ही बैठे रहना, ओ इज्जत करदे ते असीं उहनां दे नाल ही बैठे आ। चाचा वरगे बंदे ना बरकत नहीं पैंदी, चाचा कोल बैठा होवे ते बंदे नूं कुत्ता पै जांदा। इमरान भाई ना माशाल्लाह बोलते ही इतना खूबसूरत ने, ग्रेसफुल ने कि इंटरप्ट करने को दिल ही नहीं करता। दिखते खूबसूरत नहीं है आपको? दिखते भी खूबसूरत है, तो वो आवाज है ना जड़ी ऐसी बचपन से ना अब्बू नहीं देखो भी रात को ना लेट नहीं आना है, और ये जो आप लापरवाही करते हैं ना ये बिल्कुल नहीं, होमवर्क जरूर करना है और सुबह जल्दी उठना है और वॉक पे भी जाना है ना। मेरा घर में बच्चों पे, फैमिली पे कितना इन्फ्लुएंस है ये बैठिए पूछ लें। घर में क्या होता है? घर में बच्चे इन पे कमांड कर रहे हैं। बच्चे जहाँ कहते हैं ये ही इज लाइक रिबोट के लिए, जो जहाँ चलाएंगे वहाँ चलना है। तो आज इधर जाना है बाबा, बाबा ने गाड़ी में बैठे हैं ड्राइविंग सीट पर, बच्चे घुमा रहे हैं गाड़ी। बिल्कुल। और हमारी बहन क्या सलूक करती है? मैं पोलाइट हूँ इनसे, उनसे तो ज्यादा। बच्चे इतना कुछ कर लेते हैं कि वो कसर ये सारा दिन बच्चों को बता देती है कि ये मिशन ये पापा से पूरा करा, एंड दिस मिशन इज नॉट इम्पॉसिबल। आजकल के बच्चे वो नहीं है जो माओं की सुने, वो खुद से ही इतने वो हैं कि सब समझ है उनको कि बाप से क्या करवाना है। अरे मैं नमाज पढ़ रहा था, हाँ। कल मुझे अपने बेटे की आवाज आई, वो इसको ब्लैकमेल कर रहा था, मैं बताऊं बाबा को क्या बात क्या थी। अब मैं अभी भी वही सोच रहा हूँ। अच्छा। मुझे अगर बता भी दिया तो मैंने क्या कर लेना। सदाकत साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे शो पे तशरीफ लेकर आए।
जी बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, दावत दी, लाहौर में हम आए हुए थे तो मैंने कहा चले आपका बड़ा मशहूर ये शो है, बड़ी तारीफ सुनी थी, तो अभी देख के बड़ा खुशी हो रही है कि जनाब ये आपके जो परफॉर्मर्स हैं इनको हम देखते हैं और इनको बड़ा फॉलो करते हैं बड़ा अरसा दराज से, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर इमरान भाई हैं, मिसेज इमरान हैं, इनके साथ भी हमारा एक और तरह के माहौल में इंटरेक्शन तो रहता है, बल्कि इंटरेक्शन कम और एनकाउंटर ज्यादा होता है। शिकारी और शिकार दोनों आमने सामने, हमें ये लग रहा है कि हमारा शिकारी, ये हमारा शिकारी खुद शिकार में आ रहा है। भाभी के सामने जो है ना ये तो वो पहली दफा जो है ना इमरान साहब ये हमें फंसाते होते थे, आज ये फंसे हुए लग रहे हैं। अच्छा आपने कहा कि हम घूमने के लिए लाहौर आए हुए, लोग घूमने के लिए तो मर ही जाते हैं, हम तो वहीं जाते हैं। लेकिन जो मरी के नहीं है वो घूमने के लिए मरी जाते हैं, जो मरी वाले हैं वो कहते हैं ना जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमया नहीं। हाँ। मैं कैसी जमते पई है एक बार। मरी में अब उतने दरख्त नहीं रहे जितने प्लाजे और खंबे बन गए वहाँ पे। अब जो नया हुकूमती ऑर्डर है कि अगर एक दरख्त जहाँ कटेगा वहाँ पे 10 दरख्त लगेंगे, लिहाजा किसी जगह पे भी कोई डेवलपमेंट के लिए किसी सड़क के लिए अगर एक दरख्त काटे तो उसका पैसे लेके उसकी जगह 10 दरख्त लगाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब कट भी नहीं रहे और जहाँ कभी काटना पड़ता है तो उसकी जगह 10 दरख्त लगाते हैं। देखो ना चाचा बेचारा साडा दी पहले पूरी फैमिली दरख्तां ते रहंदी सी, हुण मजबूरन उन्हां नूं खंभियां ते रहना पै रिहा। चाचा जी आप भी मरी के हैं, मैंने तो कभी आपका वहां नहीं देखा। नहीं नहीं मरी के नहीं है। अगर आप मरी से आगे जाएं नथिया गली की तरफ तो नथिया गली में भी थोड़ा सा आगे जाकर ना वहां पे एक पॉइंट आता है चाचा पॉइंट, वहां से नथिया गली के बाद तो आगे सिर्फ जंगल ही है, पता नहीं चाचा कहीं चाची उधर मरी सी ना एदा आऊ मरी पासी जी साहब ये तुम शहर दी आइटम लग रही है जंगल दी आइटम है। दरख्त असी है ना असली लवा रहे हैं क्योंकि सड़कों सड़क नहीं जांदे ये तो जांदे ही दरख्तों दरख्त ही। पहले बॉन्डर पॉइंट आंदा है ना तो उधर नाल आंदा चाचा पॉइंट, उसे चाचा पूरी फैमिली लाके अपना खलोता आंदा है ते जड़े बच्चे छल्ली खा रहे हुंदे ना उना कोलो खिच के ले जांदा है। बल्कि बॉन्डर जड़े छल्ली खोंदे ने ना ये कोई बॉन्डरा को खो के दौड़दा। भाभी सच्ची सच्ची बताइए, कुछ भी पकाती हैं अगर इनके सामने रखती हैं तो सबर शुक्र करके खा लेते हैं फिर कहते हैं नहीं टिंडे में गोश्त नहीं डाला। ये देखिए नाज़रीन क्या हाल हो गए, मिर्चों के दाम बढ़ गए तो मेरी बीवी ने खाने में मिर्ची नहीं डाली, फिक्का खाना खिला रही है मुझे। अच्छा हद से हद कि चीनी डाल दी तो नमक नहीं डाला क्योंकि नमक मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो हर काम में तजिया शुरू कर देते हैं या कहते हैं खा लेता हूँ। नहीं जब भी कोई कुकिंग की है कोई डिफरेंट बनाया है तब तो स्पेशली बताती हूँ कि आज मैंने ये डिश बनाई है। डिफरेंट क्या बनाती हैं? मतलब आलू इटालियन बना लिया, चाइनीज बना लिया। अच्छा तो उसमें थोड़ा सा देख के खाते, वरना देसी खानों के तो लवर है। आहा हाँ जी देसी खाने बहुत इजीली खाते तो नहीं है हम कैसे माने। शिकारी ने ये खान ते पकान दा तकल्लुफ नहीं करदे होंगे, ये ते जिंदा हिरन ते नमक पा के ते उन्हें चब जांदे।